लोकसभा यथार्थ अर्थे महासंग्रामे गिये अवतीर्ण होयेछे चतुर्थ दफाय एवं दफाय बहु हेवीवेट प्रार्थीर भाग्य आज निर्धारित होते चलेछे। बांग्लाय दक्षिणबंगे भोटे तीव्र उत्ताप छड़िये पड़छे एवं एई मुहूर्ते दिलीप घोष तुल्ला ग्राम से ग्रामे दुर्गापुर पूर्व बर्धमान जे केंद्र दुर्गापुर एवं से ग्रामे तिनी जखन जान बूथ परिदर्शने सेखाने व्यापक गंडगोल से छवि आपनारा देखते पाच्छेन एवं जेखाने दिलीप घोषे देहरक्षीर बिरुद्धे तृणमूल कर्मी के मेरे रक्तक्त करार अभियोग। दिलीप घोषेर देहरक्षी जारा रोयेछेन तादेर बिरुद्धे तृणमूल कांग्रेसेर कर्मी के मेरे रक्तक्त करार अभियोग एवं दिलीप घोषेर गाड़ी सामने शुए पड़े तृणमूल कांग्रेस कर्मीरा। এই মুহূর্তে একটা বড় উত্তেজনা দিলীপ ঘোষকে ঘিরে বর্ধমানের তুল্লা গ্রামে। বর্ধমানের তুল্লা গ্রামে সকাল থেকেই দিলীপ ঘোষ তিনি বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শনে রয়েছেন এবং কীর্তি আজাদও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ রয়েছে এই লোকসভা কেন্দ্রে। দুর্গাপুর বর্ধমান এই কেন্দ্র এবং এই কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষ তিনি প্রার্থী, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বিদায়ী সাংসদ মেদিনীপুরের তিনি এই কেন্দ্রে প্রার্থী এবং তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ। এবং তুল্লা গ্রামে যে উত্তেজনা এই মুহূর্তে আপনারা যেমনি দেখালাম যে একটা উত্তেজনার ছবি কোথাও একটা জায়গায়, এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে সুচারু মিত্রর কাছে। কীর্তি আজাদের সঙ্গে রয়েছে সুচারু মিত্র, কি বলছেন কীর্তি আজাদ ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে? সকাল থেকে বুথে বুথে পরিদর্শন করছেন কীর্তি আজাদ এবং এই মুহূর্তে কীর্তি আজাদ রয়েছেন, আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে, তিনি কি বুঝছেন ভোট পরিস্থিতি কেমন রয়েছে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে, সেই ছবিটা কি রয়েছে আমরা সেটা একটুখানি জানবার চেষ্টা করবো এখানে যে কেমন ভোট চলছে। কীর্তি আজাদ তিনি বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে সকাল থেকে ঘুরছেন, যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে তিনি পুজো দেন এবং কার্যকর্তাদের সঙ্গে, তার যে তৃণমূলের কর্মীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে এবং কি পরিস্থিতি এখানে রয়েছে আমরা একটুখানি কথা বলবার চেষ্টা করবো। কেসে ভোট চল রায়? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, टीएमसी की जीत सुनिश्चित है। आप तो क्रिकेट जगत का प्लेयर है और आप कुछ देर पहले क्रिकेट भी खेला, तो बर्धमान दुर्गा में कैसा क्रिकेट का खेल हुआ? हम सच में खेला बर्धमान दुर्गापुर में क्रिकेट, बर्धमान में भी खेला यहाँ स्टेडियम में और दुर्गापुर में भी खेला क्रिकेट। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अगर आप मैच की दृष्टि से कहेंगे तो ये लोग शिकायत लगा रहे हैं कि इनके लोगों को मना किया जा रहा है। एक्चुअली 70% बूथ पर इनके है ही नहीं कर्मी, कोई कर्मी नहीं है। इनकी आपस में लड़ाई झंझट है बीजेपी का, इनका कोई कर्मी नहीं है, इनके साथ में लोग जनगण नहीं है, इनके साथ कोई नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो वाली परिस्थिति है। और दुनिया जानते हैं कि मोदी ने 10 सालों में केवल झूठ बोला, उसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो काठ की हांडी, लकड़ी होता ना, लकड़ी का हांडी आग पर बार बार नहीं चढ़ता है, दो बार चढ़ा लिया इन्होंने, अब तीसरी बार चढ़ने वाला नहीं है। दिलीप घोष क्या फैक्टर हो सकते हैं आपके लड़ाई में? दिलीप घोष जी देखिए, जिस व्यक्ति को तहजीब और तरीका ना हो बात करने का, उसके बारे में इंसान क्या कह सकता है, उसके ऊपर दया आती है जिस प्रकार के शब्दों का वो उपयोग करते हैं। और यह बात लोगों को भी लग गई है कि अगर ये इस तरीके से अभी बात कर रहा है, अगर जीता तो क्या करेगा, इसलिए इसको जीतने नहीं देंगे, ऐसा जनगण के अंदर है। आके बोलना लक्ष्मी भंडार लेते हैं, वो दरिद्र हैं, भिखारी हैं, उनके ऊपर सुअर का चर्बी चढ़ गया है, उनको सब जगह पर लोग गो बैक करते हैं, वापस जाओ, तो वो बोलते हैं हाथी चले बाजार और कुत्ता भोंके हजार, ये तो तरीका गलत है। आपका लास्ट प्रश्न, जीत मार्जिन कितना होगा, जीत का मार्जिन ऊपर क्या, लाख से ऊपर? लाख से ऊपर, कोई बात नहीं, একেবারে লক্ষাধিক ভোটে জিতবেন কীর্তি আজাদ এমনই তিনি মনে করছেন এবং আরপ্লাস নিউজকে তিনি জানালেন যে এই লড়াইয়ে দিলীপ ঘোষ কোনো ফ্যাক্টর নয়, তিনি জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী। ক্যামেরা কৃষ্ণেন্দুর সঙ্গে সুচারু, আরপ্লাস নিউজ, বর্ধমান দুর্গাপুর।